हाय मामा। हेलो पापा। हाय प्रिंसेस। इस बार लंदन से बहुत जल्द लौट आए। लंदन से दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे। दिल्ली से? हाँ। तो आपने मुझे एक फोन क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट आ जाती आपको लेके। इट्स ओके। तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। मामा कहाँ थी सुबह से तू? देखा पापा, मामा को तो अपनी बेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मामा को हो या ना हो, पापा को तो है। पापा अब देखना ये है कि हमारी बेटी को हम पर कितना भरोसा है। आपको कोई शक है पापा? नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। इसीलिए तो आपकी जिंदगी का इतना अहम फैसला आपसे पूछे बगैर कराए हैं। कैसा फैसला? बता दो। बताइए ना। आप जानती हैं हम दिल्ली क्यों गए थे? क्यों? आपका ब्याह तय करने। मेरा ब्याह? हाँ, योर मैरिज। आपका ब्याह? मैं बहुत खुश हूँ अंजलि। मैं बहुत खुश हूँ। शर्मा गई? चांदी, लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, आदर्शवादी है, खानदानी है, बहुत अच्छा लड़का है वो। सच? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने किसी और से वादा किया है। कौन है वो? कौन है? उफ देव, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो आपके पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने महल से बाहर निकाल देंगे। मेरे पापा कोई जंगली नहीं है, समझे? और तुम भी जंगली बनकर मेरे घर मत आ जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, और ये चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं, और मुंह पर ताला लगवा कर आना, और फिर बड़ी नरमी से पापा से मेरा हाथ मांगना। क्यों क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं चाहूँ उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ए मिस्टर एरोगेंट, मैं कहीं उड़ने उड़ने वाली नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आकर बाकायदा मेरा हाथ मांग कर जाना पड़ेगा। और सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक वक्त पर आना, 5 बजे, बिल्कुल लेट मत होना, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। जोन भी लेट, हाँ, पापा नाराज हो जाएंगे। ओके बाय। हाँ, और वक्त पे आना वरना वक्त निकल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातर में है। पापा, दिस इज देव। देव, दिस इज माय फादर। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा बैठो। जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए। देव। बेचारी चलते चलते घिस गई। देव। थैंक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत, न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो।
जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि ये है तुम्हारी पसंद, तो तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. Papa, Dev. Out. Dev, तुम चलो. Get out. Dev, out. चलो. Out of my house and out of my child's life. ये तुमने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं। क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ, तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा, वादा। वादा करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ, मैं आऊंगी। तुम जाओ। मेरे हाथ में बंदूक को देखकर चौंक गई अंजलि। डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन न जाने कितनी ऐसी अनगिनत औलादें हैं जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छलनी कर डालती हैं और उफ तक नहीं करती, जैसे कि आज तुम करना चाहती हो। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो तुम्हारी माँ को कुछ तकलीफें हो गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि चौहान साहब, अब आपको दूसरी औलाद कभी नहीं होगी। तब तुम्हारी ये माँ तुम्हारी बहुत रोई थी, बहुत निराश हुई थी, क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था। तब मैंने इन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती है, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, वो भी एक बेटा कभी नहीं देता। अंजलि, जो इज्जत हमने परसों कड़ी मेहनत करके आज यहां खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर, कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। और क्यों? एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए? उस छोटे से पल भर के ख्वाब पर एतबार हो गया तुम्हें? अपने मां बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा? देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम इस महल में घसीट के बंद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम अपने इस खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एक काम करो, ये लो बंदूक पकड़ो और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। आजाद हो जाओगी तुम। मार दो मुझे। कमान, कमान अंजलि, शूट मी, कमान। नो पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। आपको दुख पहुंचाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। I love you very much. मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन पापा, इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है पापा। मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी, मुझे अपना ये एक वादा पूरा करने दीजिए पापा, बस एक वादा प्लीज।
जाने दीजिए इसे, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। जाने दीजिए। ठीक है, मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। तू जहां भी जाना चाहती है वहां तुझे मैं ले जाऊंगा। मैं जानता था तुम आओगी। देव, गलत समझ रहे हो, मैं अपने बाप का घर नहीं तुम्हें छोड़ने आई हूं। फिर से मजाक है? देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैंने पापा की बात मान ली है, अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहेंगे। और जो वादा मुझसे किया था हा? देव, इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए, तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था। वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है, मैं वो वादा पूरा करूंगी। देव, मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी हा? तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती, तुम इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास ना होता ना, तो मैं ये भी कर जाती, लेकिन मुझे जीना होगा देव, पर मर कर जीना होगा। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी? तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव, तुम हमारी दोस्ती को जलील नहीं करोगे, मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। अब हमें दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। हाँ देव, अब मैं तुमसे कोई वादा ना ही करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं देव, मैं जा रही हूं। सुनो, उससे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से, क्या कहूंगा मैं उससे? मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया, वो मां है ना, समझ जाएगी। सब इसका खेल है माँ, सब इसकी वजह से है। देर हो गई आज। देव, तुमने शराब पी है? हाँ, मैंने शराब पी है। हाँ, शराब पी है मैंने। शराब का नशा है मुझ में। नहीं देव, तुम्हारी आंखों में शराब का नशा नहीं है, कुछ और है। क्या है देव, क्या बात है? छोड़ दिया मैंने उसको,
तोड़ दिया उसका दिल, फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा उस अंजलि से। तू झूठ कह रहा है देव, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तू मेरी औलाद है, तू किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकता। तू झूठ कह रहा है ना देव? हाँ माँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तेरी औलाद हूँ ना, क्या किसी का दिल तोड़ूंगा? मैं क्या किसी को छोड़ूंगा? वही मुझे छोड़ गई माँ। और माँ, जब मैंने उसे कहा कि तूने माँ से भी एक वादा किया था, मैं माँ से क्या कहूंगा? तो जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा? तो जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा? उसने कहा, माँ समझ जाएगी। तू समझ सकती है माँ? तू समझ सकती है? तू समझ सकती है माँ? माँ?